ये 10 सेंटेंसेज हैं, इनमें हम मॉडल ऑक्सिलरी फिलअप करना सीखेंगे। तो ये देखेंगे कि कौन से सेंटेंस में कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी सूटेबल रहेगी और वो मॉडल ऑक्सिलरी वहाँ पे क्यों आएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम अपना आखिरी वाला सेंटेंस, लास्ट जो सेंटेंस है उससे शुरू करते हैं। तो हमारा लास्ट सेंटेंस है पापा, फिर यहाँ पे डैश है, यहाँ पे आपको मॉडल ऑक्सिलरी फिलअप करनी है। आई गो फॉर पिकनिक विद माई फ्रेंड्स, यहाँ पे ए आर्टिकल आएगा वैसे। तो पापा डैश आई गो फॉर ए पिकनिक विद माई फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्पीकर है वो कोई बच्चा है, कोई लड़का है, और वो अपने पापा से जो है परमिशन ले रहा है कि पापा क्या मैं अपने मित्रों के साथ पिकनिक पे जा सकता हूँ। तो यहाँ पे परमिशन ली जा रही है, यहाँ पे जो स्पीकर है वो अपने फादर से, अपने पापा से परमिशन ले रहा है, ठीक है। तो परमिशन के लिए हम जो है दो मॉडल यूज करते हैं, एक तो हमारा मॉडल होता है मे और एक होता है कैन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे अगर हम मे मॉडल फिलअप करते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे। लेकिन करेंगे क्यों वो देख लेते हैं। तो जब भी हम परमिशन लेते हैं तो हमारी परमिशन फॉर्मल हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। मींस जब भी हम परमिशन लेते हैं किसी से तो हमारी जो लैंग्वेज होती है वो फॉर्मल हो सकती है और इनफॉर्मल हो सकती है, इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज हम यूज करते हैं। अब फॉर्मल इनफॉर्मल हम कैसे देखेंगे, तो जब भी हम अपने टीचर्स से बात करते हैं, किसी अपने डॉक्टर से बात करते हैं, या अपने स्ट्रेंजर से बात करते हैं, मतलब अप कोई भी स्ट्रेंजर है उससे बात करते हैं, ठीक है, या हम अपने बॉस से बात करते हैं, मीन्स अपने जो सीनियर है हमारा उससे बात करते हैं, तो इनसे जब भी हम बात करते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, वो फॉर्मल होती है। और कहने का मतलब है इनसे अगर हम परमिशन लेंगे तो हम जो है किस मॉडल का, मतलब इनसे जब अगर हम परमिशन लेंगे तो हमारी जो परमिशन है वो कैसे की जाएगी, वो फॉर्मल परमिशन कही जाएगी। लेकिन इनके अलावा कौन बच गए, इनके अलावा बच गए हमारे जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो, और हमारे फ्रेंड्स हैं वो। तो अगर हम अपने फैमिली मेंबर से परमिशन लेंगे और या हम ये कहें कि अपने फ्रेंड्स वगैरह से परमिशन लें, तो वहाँ पे जो है हमारी लैंग्वेज होती है इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम परमिशन लेते हैं या किसी से भी बात करते हैं इनफॉर्म, मतलब हम अगर अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से अगर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ये मान या वहाँ पे हमारी जो लैंग्वेज होती है वो इनफॉर्मल होती है, और इनसे अगर हम बात करते हैं तो हमारी लैंग्वेज फॉर्मल होती है। तो मैंने ये कहा है कि जो मे मॉडल है, मे जो ये मे मॉडल लग चल रही है, इसका यूज़ फॉर्मल के लिए किया जाता है, मतलब फॉर्मल वे में अगर परमिशन ले तो इसका यूज़ किया जाएगा, और अगर इनफॉर्मल में अगर हम परमिशन लें तो इसका यूज़ किया जाएगा कैन का। तो अभी यहाँ पे किससे, जो स्पीकर है वो किससे परमिशन ले रहा है, उसके पापा से, अर्थात यहाँ पे जो है परमिशन है वो कैसी है, वो इनफॉर्मल है, ठीक है। तो क्योंकि अपने फैमिली मेम्बर से परमिशन ले रहा है तो इनफॉर्मल परमिशन है, तो इनफॉर्मल के लिए हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, कैन। तो यहाँ पर कैन का इस्तेमाल होगा, मे का इस्तेमाल नहीं होगा, हालाँकि मे का यूज़ भी जो है परमिशन के लिए किया जाता है। जब भी हम किसी से परमिशन लेते हैं तो हम मे का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनसे अगर हम परमिशन लेंगे, टीचर्स से, डॉक्टर्स से, स्ट्रेंजर्स से, या बॉस में से किसी से परमिशन लेंगे, तो हम मे का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 10वां एग्जांपल था हमारा, इसमें हम कैन फिलअप करेंगे और क्यों करेंगे ये मैं एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। चलिए अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है हमारा एनीवन डैश मेक ए मिस्टेक, गलती किसी से भी हो सकती है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी का जिक्र किया जा रहा है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की गलती किसी से भी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज़ भी करते हैं और कैन का यूज़ भी करते हैं। लेकिन अगर कोई पॉसिबिलिटी पर्टिकुलर सिचुएशन की है, तो हम मे मॉडल का यूज़ करते हैं। अगर हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो पर्टिकुलर सिचुएशन की है, ठीक है, तो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अगर पॉसिबिलिटी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो मे का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो जनरल पॉसिबिलिटी है, मींस वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में नहीं है, वो जनरल है। जनरल का मतलब होता है वो सभी लोगों पे लागू होती है। तो यहाँ पे ऐसी ही बात कही गई है कि गलती किसी से भी हो सकती है। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का जिक्र नहीं है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का जिक्र नहीं है, यहाँ पे जनरली सभी के बारे में कहा गया है।
तो यहाँ पे ये कैसी पॉसिबिलिटी है, ये एक जनरल पॉसिबिलिटी है। तो जनरल पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, एनीवन कैन मेक ए मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, डैश यू प्लीज़ टेल मी द टाइम। तो यहाँ पे डैश यू प्लीज़ टेल मी द टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, और हम यह देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का और ये यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। तो हमें मॉडल एक्जिलरी फिलअप करनी है यहाँ पे। तो अगर आप कहें यू प्लीज़ टेल मी द टाइम, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई जो स्पीकर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, टाइम पूछने की बात कर रहा है, मतलब टाइम पूछ रहा है किसी से, टाइम पूछ इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जब भी रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास चार मॉडल होते हैं इंग्लिश में रिक्वेस्ट करने के लिए, कैन, विल और कुड और वुड, ठीक है। ये चार मॉडल हैं जो रिक्वेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब फ़र्क इनमें ये है कि इन ये दो दोनों मॉडल हैं ये हम इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं, और ये जो दो मॉडल हैं ये हम फॉर्मल वे में यूज करते हैं, फॉर्मल। अब फॉर्मल इनफॉर्मल वाली बात वही आ गई कि अगर हम इनसे बात कर रहे हैं, इनमें से किसी से, टीचर से, डॉक्टर से, स्ट्रेंजर से, बॉस से, अगर हमारा कोई सीनियर है उससे बात कर रहे हैं, तो हम फॉर्मल होते हैं उस समय। और इनसे अगर परमिशन लेंगे तो हम इनमें से किसी मॉडल का यूज़ करेंगे, कुड या वुड का। और अगर इनसे इनके अलावा हम अपने अगर फ्रेंड से अगर फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या मतलब हम अपने किसी पेरेंट से बात कर रहे हैं, पेरेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम इन मॉडल्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी मॉडल लगा सकते हैं, जब तक कॉन्टेक्स्ट पूरा नहीं है तब तक आप इन चारों मॉडल्स में से कोई मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कैन लगाते हो या विल लगाते हो, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, मीनिंग चेंज जरूर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि मीनिंग चेंज नहीं होगा। चारों मॉडल्स में से आप कोई मॉडल यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कैन और विल भी यूज़ कर सकते हैं, कुड और वुड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सही तो चारों रहेंगे लेकिन मीनिंग थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कैन या विल में से यूज करते हैं तो इसका अर्थ ये होगा कि जो स्पीकर है वो अपने किसी फैमिली मेम्बर से या अपने फ्रेंड से जो है रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे कुड यूज करते हैं या वुड यूज करते हैं, तो इसका जो अर्थ है वो ये हो जाएगा सेंटेंस का कि जो स्पीकर है वो इनमें से किसी से परमिशन ले रहा है, टीचर्स सॉरी परमिशन नहीं रिक्वेस्ट कर रहा है, टीचर्स, डॉक्टर, ट्रेंजर या अपने किसी सीनियर या बॉस से, ठीक है। तो मीनिंग चेंज हो जाएगा लेकिन मॉडल एक्चुअली इन चारों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, डैश आई कम इन सर। सॉरी, यहाँ पे भी देख रहे हैं हम कि आप डेली यूज करते हैं सेंटेंस आई कम इन सर, आई कम इन सर, ये तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मे मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ कि मे का ही इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन एक चीज़ और सोचने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे परमिशन का जिक्र हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और डीपली हम इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे परमिशन का जिक्र किया जा रहा है और परमिशन कोई जो स्पीकर है वो परमिशन मांग रहा है, ठीक है। तो परमिशन के लिए हम मे का यूज भी करते हैं और कैन का यूज भी करते हैं, आपको पता होगा ये बात भी, परमिशन के लिए मे का यूज़ भी किया जाता है और कैन का यूज़ भी किया जाता है। और मे का यूज़ कब किया जाता है, फॉर्मल परमिशन के लिए, और कैन का यूज़ कब किया जाता है, इनफॉर्मल परमिशन के लिए, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल मैं आपको समझा ही चुका हूँ। तो यहाँ पे कैन का इस्तेमाल, क्योंकि परमिशन के लिए इसका इस्तेमाल भी होता है और इसका इस्तेमाल भी होता है, मतलब कैन का इस्तेमाल भी होता है और मे का इस्तेमाल भी होता है। तो अगर आप ये बात रट लेंगे कि परमिशन के लिए हम मे का यूज़ भी कर सकते हैं, कैन का यूज़ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप मे का यूज़ करेंगे तो सही होगा, कैन का यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो परमिशन है, यहाँ पे उसके टीचर से हम परमिशन ले रहा है स्पीकर, ठीक है, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है सर। तो यहाँ पे हम सिर्फ मे का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये यहाँ पे सर नहीं लिखा हुआ होता, मान लीजिए कि यहाँ पे ये सर नहीं लिखा हुआ होता, तो हम क्या करते, तो फिर हम मे का यूज़ भी कर सकते थे और कैन का यूज़ भी कर सकते थे, उस समय दोनों सही होते, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर आपने सर लिख दिया या मैडम लिख दिया,
तो आप क्लियर कर रहे हैं कि आप परमिशन किससे ले रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे सर लिख देते हैं, मैडम लिख देते हैं, तो आपको मैं ही फिलअप करना पड़ेगा, मैं यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये वर्ड यूज़ नहीं करते हैं तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करके चला करो कि परमिशन के लिए हम दोनों मॉडल यूज़ कर सकते हैं, मे और कैन, लेकिन उनमें यूज में अंतर होता है। अगला है माई ग्रैंड मदर डैश टेल मी बैड टाइम स्टोरीज एवरी डे। अब यहाँ पे जो है स्पीकर अपनी दादी माँ की जो है पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा है, ठीक है। माई ग्रैंड मदर टेल मी बैड टाइम स्टोरीज एवरी डे, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने ही। यहाँ पे मुझे लिखना था माई लेट ग्रैंड मदर, ठीक है, ऐसे लिखना था मुझे। तो ऐसे लिख लेते हैं हम इस सेंटेंस को, थोड़ा और बेटर वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर डैश है, तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो अपनी दादी माँ की जो है हैबिट के बारे में बता रहा है, लेकिन उसकी दादी माँ यहाँ पे एक्सपायर हो चुकी है, मतलब इस धरती पे नहीं है। लेट, लेट का मतलब होता है स्वर्गीय। तो मेरी स्वर्गीय दादी माँ मुझे प्रतिदिन बेड टाइम स्टोरीज सुनाया करती थी। तो यहाँ पे जो है स्पीकर अपनी दादी माँ की पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा है। और पास्ट हैबिट के लिए हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं? पास्ट हैबिट के लिए केवल और केवल हम यूज़ करते हैं वुड, ठीक है। तो यहाँ पे हम वुड का इस्तेमाल करेंगे जब भी हम किसी व्यक्ति के पास्ट हैबिट के बारे में बताते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति अभी भी जिंदा हो, लेकिन पास्ट हैबिट का मतलब होता है जो पास्ट में थी। हो सकता है किसी व्यक्ति की वो हैबिट रही होगी, लेकिन वो व्यक्ति इस समय नहीं है, वो जा चुका है, गुजर चुका है, जैसे यहाँ पे दादी ग्रैंड मदर का जिक्र हुआ है। हो सकता है कोई व्यक्ति ये जिंदा भी हो, ठीक है, इस समय जिंदा हो, लेकिन उसकी जो हम वो अपनी जिस हैबिट के बारे में बता रहा है वो पास्ट में हुआ करती थी। इसका मतलब ये है कि इस समय उसमें वो हैबिट नहीं है, ठीक है। तो पास्ट हैबिट होगी, हैबिट अगर पास्ट होगी तो ही हम जो है वुड मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। और पास्ट हैबिट है इसके लिए सेंटेंस में कोई ना कोई आपको इंडिकेटर जरूर मिलेगा, जैसे यहाँ पे लेट वर्ड आया है, ठीक है। चलिए मैं एक और सेंटेंस का आपको समझाता हूँ। जैसे व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो आई डैश गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है, एवरी मॉर्निंग। जब मैं जवान था तो आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, तो मैं प्रतिदिन सुबह जो है सैर के लिए जाता था। तो यहाँ पे क्या है, कहाँ पे इंडिकेटर है, मतलब इंडिकेटर कहाँ पे है जो मैं बता रहा है कि पास्ट की बात है? तो ये देखिए वाज, ठीक है, तो ये वाज हमें बता रहा है कि पास्ट की बात है। तो जो स्पीकर है यहाँ पे वो कब की बात बता रहा है? जब वो यंग था तो उसमें ये हैबिट थी। तो यहाँ पे हम वुड मॉडल का इस्तेमाल कर देंगे, आई वुड गो फॉर ए वॉक, ठीक है। तो कोई मतलब कुछ होता था पहले, तो उसके बारे में बताने के लिए हम जो है वुड मॉडल का यूज़ करते हैं, और वुड के बाद वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी जैसे ग्रैंड मदर वाले सेंटेंस में इसमें कौन सा मॉडल आएगा? वुड। चलिए नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट रेनिंग यू डैश टेक एन अम्ब्रेला विद यू, ठीक है। तो बारिश नहीं हो रही है, यू डैश टेक एन अम्ब्रेला विद यू, तुम्हारे साथ जो है अम्ब्रेला ले जाने की बात कही गई है। तो यहाँ पे बारिश नहीं हो रही तो ये काम जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लैक ऑफ नेसेसिटी, ठीक है भाई। बारिश ही नहीं हो रही है तो ये जो चीज़ें, ये तो ज़रूरी है ही नहीं, जो आगे लिखा हुआ है ये तो ज़रूरी है ही नहीं, नेसेसरी है ही नहीं, तो यहाँ पे नेसेसरी ये चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ नेसेसिटी। और लैक ऑफ नेसेसिटी के लिए कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं? नीड नॉट, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नीड नॉट, ठीक है। तो इसमें नीड नॉट हम फिलअप करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आई स्विम व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। तो देखिए व्हेन आई वाज ए चाइल्ड ये पास्ट की बात है, तो जब ऐसे कोई पास्ट फॉर्म आपको दिख जाए तो पास्ट के लिए जो मॉडल एक्सिल्स होती हैं वो ये होती हैं, एक तो वुड होता है पास्ट, एक कुड होता है पास्ट, ठीक है, एक शुड होता है
एक माइट होता है। तो आपको अपना जो ध्यान है वो इन चार मॉडल्स पे कर लेना चाहिए जब आपको कहीं पास्ट की कोई बात मिलती है, पास्ट का कोई इंडिकेटर मिलता है। तो यहाँ पे पास्ट का इंडिकेटर मिल रहा है वह नहीं बाजी अंग, तो हो सकता है कुछ और मॉडल भी आ सकते हैं, मे हैव माइट हैव कुड हैव शुड हैव, वो भी आ सकते हैं। लेकिन हम अपना जो है फोकस पहले इन चारों पे करते हैं, अगर इन चारों में नहीं होगा तो फिर हम जो है उन मॉडल्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग, जब मैं बच्चा था तो मैं तैर सकता था, मैं तैरने की बात की गई है। तो यहाँ पे एक एबिलिटी बताई गई है और पास्ट की एबिलिटी बताई गई है। तो पास्ट की एबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल यूज करते हैं, कुड। तो अगर मैं यहाँ पे कुड यूज कर दूँ तो ये एबिलिटी बन जाएगी पास्ट की, ठीक है। तो आपको मीनिंग भी क्लियर करना है, आपको मीनिंग क्लियर करके चलना है, ऐसा नहीं कि मीनिंग क्लियर नहीं करना। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुड फिलअप कर दिया तो मैं ये देखूँगा, पहले सेंटेंस को देखूँगा कि सेंटेंस मेरा मीनिंग सही कन्वे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुड फिलअप किया, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, तो मेरा जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है यहाँ पे, और ये कैन का जो कुड जो है वो कैन का पास्ट भी होता है, ठीक है। तो ये पास्ट भी है और मीनिंग भी कन्वे कर रहा है। और यहाँ पे जो है हमने मॉडल एक्सिलरीज में जो है पढ़ा है कि कुड का यूज हम पास्ट एबिलिटी के लिए करते हैं, तो यहाँ पे पास्ट एबिलिटी शो भी हो रही है। जैसे व्हेन आई वाज यंग, जब मैं बच्चा था तो मैं तैर सकता था, यहाँ पे पास्ट एबिलिटी बताई गई है, ठीक है। तो कुड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है वुड यू माइंड मूविंग ए बिट। मूविंग ए बिट का मतलब होता है, यहाँ पे इसका जो मीनिंग है, तो इसका जो मीनिंग है इसका मतलब ये है, कृपया करके आप थोड़ा सरकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर इंग्लिश आप पढ़ रहे होंगे या लिटरेचर पढ़ते होंगे, तो आपको ये जो यू माइंड है ये एक फ्रेज है जो यहाँ पे आपको अधूरी लग रही होगी, ठीक है। और ये पूरी कब होगी, ये फ्रेज होती है वुड यू माइंड। और ये जो फ्रेज है ये एक ऐसी फ्रेज है जिसको हम रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट, किसी से अगर हम रिक्वेस्ट करें तो उसके लिए हम वुड यू माइंड ये फ्रेज यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, प्लीज हेल्प मी, ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, तो मैं इसी सेंटेंस को जो है ये रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे प्लीज़ वर्ड यूज़ किया गया है, मैं इस प्लीज़ को हटा के ये फ्रेज यूज कर सकता हूँ, वुड यू माइंड। लेकिन फ़र्क इतना है कि जब हम ये वो फ्रेज यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो हम वर्ब लगाते हैं वो फिर आई एन जी लेती है। तो ये अगर ये वर्ब लगाएंगे तो ये फिर आई एन जी लेगी हेल्पिंग में, ठीक है। तो और इंटरोगेटिव बन जाएगा, ये इंटरोगेटिव बनेगा, ये अफर्मेटिव रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये फ्रेज जो है रिक्वेस्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो हमारे पास यू माइंड तो है ही, हम सिर्फ वुड और लगा देंगे तो ये हो जाएगा वुड यू माइंड मूविंग ए बिट, ठीक है। और अगर इसको हम वुड यू माइंड को प्लीज से रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा प्लीज मूव ए बिट। तो ये ऐसे हम इस वुड यू माइंड फ्रेज को जो है रिक्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। चलिए अगला है, दैट आई वर ए बर्ड, दैट आई वर ए बर्ड। यहाँ पे जो स्पीकर है वो अपनी इमेजिनरी जो है अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। ये जो स्टेटमेंट है एक इमेजिनरी स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो स्पीकर है वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि काश वो एक बर्ड होता, पक्षी होता। और काश के लिए जो है जब कोई चीज़ इमेजिन की जाती है तो उसके लिए दैट से पहले अगर हम वुड यूज करें तो ये बन जाता है वुड दैट। और वुड दैट का इस्तेमाल हम जो है काश के लिए करते हैं, काश ऐसा होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वुड का इस्तेमाल करेंगे और ये बन जाएगा वुड दैट। और ये फिर इमेजिनेशन को जो है रेफर कर रहे हैं, इमेजिनेशन मतलब वुड दैट के द्वारा हम इमेजिनेशन, कोई भी इमेजिनरी स्टेटमेंट होती है, वुड दैट आई वर ए बर्ड मीन्स काश। अगला है वी ईट सो दैट वी ब्लैंक लिव, ठीक है। तो इसमें देखिए दो क्लोज हैं, एक तो है प्रिंसिपल क्लोज और एक ये है हमारी सबॉर्डिनेट क्लोज। ठीक है, ये सबॉर्डिनेट क्लोज है।
एक चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये सबॉर्डिनेट क्लोज है इसमें पर्पस बताया गया है। किसका पर्पस बताया गया है? मेन वर्ब मेन क्लोज में प्रिंसिपल क्लोज में जो ये वर्ब है, ये जो एक्शन है, इसका पर्पस बताया गया है। अर्थात हम ये काम करते हैं, हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम ये एक्शन करते हैं ईट का, किस पर्पज से करते हैं? तो ये जो है ना, ये सो दैट से लेके यहाँ तक ये पर्पज बताया जा रहा है इस वर्ब का, कि हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं, ताकि हम जिंदा रह सकें। तो पर्पज के लिए यहाँ पे पर्पज बताया गया, तो पर्पज के लिए हम दो मॉडल यूज़ करते हैं, मे और माइट, ठीक है। अगर हमारा पर्पज प्रेजेंट का है तो हम यूज करते हैं मे, अगर हमारा पर्पज पास्ट का है तो हम यूज करते हैं माइट। अब ये कैसे पता चलेगा कि पर्पज पास्ट का है कि प्रेजेंट का है? तो इसके लिए इस वर्ब को देख लेंगे हम, जो हमारी प्रिंसिपल क्लोज में, अगर ये प्रेजेंट में है तो हमारा प्रेजेंट पर्पज है, पास्ट में तो पास्ट पर्पज है, तभी यहाँ पे प्रेजेंट में है तो हमारा प्रेजेंट पर्पज है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे मे, ठीक है। तो ये था, ये थे 10 सेंटेंसेस जिसमें हमने कुछ मॉडल एक्जिलरीज देखी, और वो किस सेंटेंस में कौन सी मॉडल एक्जिलरी आएगी वो देखी, और क्यों आई इसका कारण देखा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।